आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को किसानों का कर्ज माफी को लेकर जमकर यहां पर हंगामा देखने को मिला और इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आरोप लगाया है। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि किसानों का अल्पकालीन कर्ज ही माफ किया जा रहा है जबकि सरकार ने सभी तरह के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। साथ ही अजीत जोगी की इस मांग पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि सरकार ने अल्पकालिक ऋण माफ करने का ही वायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, बाकी का ऋण माफ नहीं किया जाएगा। मंत्री के सदन में इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि दीर्घकालीन कर्ज ही किसानों का भूपेश सरकार अब माफ नहीं करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, क्या कुछ जानकारी है जी, किस बारे में पूछ रहे हो रूपेश? जहां आप कर्ज माफी को लेकर विधानसभा में आज हंगामा हुआ, अजीत जोगी ने सरकार को घेरा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है रूपेश? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण बात कही थी कि 10 दिनों में कर्ज माफ होगा, लेकिन उसके कंडीशंस को लेकर के सवाल उठाए गए और इस पर आज मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट की। विपक्षी जो विधायक हैं लगातार विरोध कर रहे थे, उनकी मांग थी कि कर्जा माफ की बात कही गई थी लेकिन सिर्फ अल्पकालीन ऋण ही माफ किए गए और इसके अलावा जो दीर्घकालीन ऋण है या दूसरे तरीके के ऋण है, जो प्राइवेट बैंकों से लिए गए ऋण है, वो माफ नहीं किए गए। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है सरकार की, एक प्रक्रिया होती है वो बैंक की होती है, तो जाहिर तौर पर इसमें वक्त लगता है और जब वक्त लगता है तो वक्त लगने में ये थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, समय लगता है जिसकी वजह से कई लोगों को पैसा नहीं पहुंचा है। उन्होंने उल्लेख भी किया इस बीच में मंत्री अकबर ने कि किस तरीके से राजनांदगांव और दुर्ग में जो बैंक है उन्होंने गड़बड़ियां की और गड़बड़ियों के चलते जो किसान है उनको लाभ नहीं मिल पाया, तो इन तमाम बातों को सरकार ने स्पष्ट किया। इस पर साफ साफ शिवरतन शर्मा ने पूछा कि ये बता दीजिए कि कर्ज माफ सिर्फ अल्पकालीन ऋण के लिए है या बाकी चीजों के लिए। इस पर साफ कर दिया गया कि सिर्फ अल्पकालीन ऋण जो होता है जो कि किसानी के लिए होता है, जो दीर्घकालीन ऋण होता है वो फिर औजार खरीदने के लिए होता है या दूसरी चीजों के लिए होता है, मकान बनाने के लिए होता है, सरकार ने उन ऋणों को माफ नहीं किया है। तो ये स्थिति स्पष्ट कर दी और इसके बाद विपक्षी हंगामा करने लगे, लेकिन स्पीकर ने, चूंकि मंत्री ने जवाब दे दिया, सीएम ने जवाब दे दिया, तो इसको पूरा मानते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया। तो रूपेश, जिस तरह से सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार ने अल्पकालिक ऋण माफ करने का ही वायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, तो इससे अब ये मान लिया जाए कि दीर्घकालीन जो ऋण है किसानों का वो माफ नहीं होगा? देखिए, दीर्घकालीन ऋण किसानी के लिए नहीं होता है सरकार का ये कहना है, क्योंकि दीर्घकालीन जो ऋण लिए जाते हैं वो खेती और किसानी के लिए नहीं लिए जाते हैं जी। वो खेत में जो ट्रैक्टर चाहिए होता है जो कि खुद एक इनकम का सोर्स होता है किसान के लिए, उसके लिए लिया जाता है, या किसी को अपना मकान अपने खेत को लेकर के कुछ काम करना है वो ऋण लिया जाता है। सरकार ने औजार और दूसरी चीजों के ऋण माफ नहीं किए थे, सरकार ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था, सरकार ने सिर्फ किसानी के लिए यानी कि फसल के लिए जो अल्पकालीन ऋण होते हैं उसका वादा किया था और सरकार ने 3 स्तरों पर इसे माफ किया। सबसे पहले सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक के, उसके बाद नेशनलाइज जो बैंक है उनके माफ किए, और पुराने डिफॉल्टर यानी कि जिनको जिन किसानों को ऋण नहीं मिल रहा था पिछले कई सालों से क्योंकि वो बैंक के डिफॉल्टर हुए थे, उन्होंने बैंक का कर्जा नहीं पटाया था, सरकार ने घोषणा की कि 50% की दर से बैंकों से बात करके इन ऋणों को सेटलमेंट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रदेश के लाखों किसानों को, जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र नहीं किया था, उनको सेटलमेंट के माध्यम से वापिस कर्ज के दायरे में ले आएगी, यानी कि अगली बार से उनको फिर ऋण मिलने लगेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश जानकारी के लिए। रायपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी रणछोड़ दास गांधी बन गए हैं, वो मैदान छोड़कर भाग गए। राहुल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पाप कांग्रेस को वापस मिल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने रायपुर प्रवास के दौरान सिंधी समाज की तीर्थस्थली शादाणी दरबार पहुंचे।
चदाणी पहुंचकर दर्शन करने के बाद उन्होंने दरबार के 28वें पटोत्सव पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान चदाणी दरबार के संत रजिस्टर लाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी सहित सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। दर्शकों को बता दें कि शिवराज सिंह चौहान सदस्यता अभियान की समीक्षा करने रायपुर पहुंचे हैं। संपर्की जेल की दीवार फांदकर एक कैदी फरार हो गया। इस घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया और प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई। दरअसल दोपहर 12 बजे की गिनती के बाद कैदी के फरार होने की जानकारी मिली, जिसके बाद कैदी की तलाश जारी है। इस मामले में लापरवाही के जिम्मेदार 3 जेल प्रहरी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी ने कैदियों के लिए बैरक बनवाए हैं, जिसका काम करने के बाद कैदी बैरक में ही छिप गया और मौका मिलते ही फरार हो गया। उसमें क्या किया वो जो 14 बंदियों को हम साफ सफाई निकाले हैं, साफ सफाई निकालने के दौरान वो बंदी भी चुपके से नजर चुरा के घुस गया वहाँ। और अब खबर कांकेर से है, जहां एक शिक्षा कर्मी ने चरित्र पर शंका के चलते पत्नी को चाकू मार दिया। हमले में घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना अंतागढ़ थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां शिक्षा कर्मी दीपक खांडे ने लक्ष्मी साहू से प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब उसे पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा और इसी के चलते उसने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। चांदी की मेरे को बहुत सब करता है, मैं राशन कार्ड के लिए और सत्यापन के लिए मैं गई थी तो मेरे पास बहुत झगड़ा लड़ाई किया है, सबके साथ सब करता है मेरे को, इसके साथ ऐसे करी उसके साथ ऐसे करी, तब मेरा भी थोड़ा सा दिमाग खराब है, उसको नहीं था तो बुलवाई फिर मैं बोली तो क्या करना क्या चाहता है, तो कुछ भी नहीं बोला आप पीछे से आके क्या उसका हुआ है उसको देखने के चक्कर में मैं उसके घर गया था, और उनके बीच में पहले से अच्छी तनाव चल रहा था और लड़की बोल रही थी कि घर आओगी घर आओगी, लेकिन अब उसको बुलाया गया, उसके बाद जब पता नहीं क्या सोचा और चाकू निकाला पीछे से आया और हमला किया स्टेशन के स्टेशन कर दिया गया। बीच बचाव के चक्कर में मैं भी बीच में गया जो लोग लग किया तो उसके चक्कर में मैं भी घायल हुआ, मेरे हाथ में भी लगा हुआ है, मैं कभी भी निकल गया। जानकारी मिली है कि एक शिक्षा कर्मी है दीपक खांडे, उनकी पत्नी को चाकू से मार दिया है, महिला अस्पताल में भर्ती है, ट्रीटमेंट हुआ है, अभी बोलने की स्थिति में है ही लेकिन अभी पूछा नहीं जा रहा है, इलाज चल रहा है और जैसा बताती है इस हिसाब से कार्रवाई किया जाए। और अब खबर रायपुर से है, जहां के जमीन मालिक पर आरोप है कि किराए पर दिए 3 दुकान को रातों रात ढहा दिया गया, जिसमें लगभग 50 लाख की मशीनें और अन्य सामान का नुकसान हुआ है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे 40 से 50 साल से दुकान चला रहे हैं और इसी बीच जमीन मालिक खाली कराने का नोटिस भेजा और रातों रात हमारी दुकान को ढहा दिया गया। साथ ही मौके पर कुछ मशीन क्षतिग्रस्त पड़ी हैं और कुछ महंगी मशीनें गायब हैं, तो वहीं जमीन मालिक का कहना है कि इन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था, कई बार बोलने के बावजूद खाली नहीं कराने पर उनके सामान को बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम शेख नजरुद्दीन है, मेरी यहाँ पे 50 साल से ऊपर दुकान है, कार रिपेयरिंग वर्कशॉप स्टार मोटर के नाम से, पूरा सामान को बाहर फेंक दिए हैं। कितने फेंका है ये तो नहीं मालूम सर, कितने फेंका, रात के हुई है जो भी कार्रवाई हुई कि हमारी जो दुकान थी 40 साल पुरानी दुकान है और 40 साल की पुरानी दुकान होने के बावजूद इन लोगों ने बिना यानी हम लोगों को बोले या बिना नोटिस वोटिस दिए सब की दुकान को पूरा तोड़ फाड़ करके रात को तोड़ करके सारा सामान यहाँ मशीनों को सब बाहर फेंकवा डाले। और दुकानें जो है हम लोगों की 3 दुकानें थी यहाँ पर, मेरी दुकान थी अख्तर इंजीनियरिंग के नाम से थी सर, मैं यहाँ पर मेरी दुकान थी 1970 से नफीस अहमद के नाम से, यहाँ पर मेरे पिताजी लिए थे 1970 में, मैं 2004 से दुकान चला रहा था यहाँ पर, मेरा जितना भी रात को 16 की रात को यहाँ पर 2 बजे तोड़ फोड़ कर पूरा मेरा सामान जब्त कर लिया गया, कॉपर तांबा पीतल लोहा वगैरह जो भी मैं कबाड़ में खरीदते 30 से 35 लाख रुपए का सामान था। ये मेरा मकान मालिक है जो विक्रामुद्दीन, उसने तोड़ा है। पहले तो बात दुकानें तो थी नहीं, वो बेजा कब्जा करके अपना सामान रख रहे थे, उस पर हमने कार्रवाई करके उनका सामान को बाहर रखे, वो हमारे ताले को तोड़ के पहले अंदर घुसे, हमने एक बार वार्निंग दिया उनको ये ताला मत तोड़िए आप जो भी है, दोबारा उनको हमने ताले के साथ एक चाबी भी दी कि अगर आपको कुछ करना है तो इस पे खोल लिया करिए, लेकिन उन्होंने फिर ताला तोड़ के अपना ताला लगाया
और उसके बाद में हम लोगों को जो है धमकाने भी लग गए कि जो होगा हम देख लेंगे, हम लोग ऐसा है, हम लोग वैसा है। हम लोग ने इसके लिए जो एप्लीकेशन सब जगह दे चुके हैं, एसपी ऑफिस से लेकर एसपी ऑफिस। शाबा थाने के ग्राम कोसमंदा में चोरी की बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है युवक ने अपने घर में चोरी की 3 बाइक को छुपा रखा था और उसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था, और इसी बीच पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार की है। आरोपी के पास 3 रुपया वहां मिले जो कि चोरी का होना पाया गया, उससे एक अपराध में जागीर में अपराध दर्ज है। बाकी रायगढ़ के धर्मजगढ़ में हाथी के हमले में मां और बेटी की मौत हो गई। कापू रेंज के विजयनगर सुरपारा में रात के समय हाथी ने के घर पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से बचने के लिए परिवार के सदस्य घर छोड़कर भाग निकले, लेकिन इसी दौरान 1 साल की बच्ची को गोद में लेकर भाग रही महिला हाथी के सामने आ गई और हाथी ने सूंड से उसे उठाकर पटक दिया और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। धर्मजगढ़ में हाथी अब 117 लोगों की जान ले चुके हैं। जते को विभाग करीसन फॉरेस्ट विभाग कर मन लो की हैं तो मन फोन कुछ भी नहीं उठे। 108 वाल 112 लो फोन कर सुरक्षित। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाटर्स नगर के बलंगी क्षेत्र से दर्जन भर युवक काम की तलाश में चेन्नई गए हुए थे, लेकिन एक ठेकेदार ने उन्हें बंधक बना लिया। शिकायत पर कलेक्टर और एसपी ने मामले में तुरंत सक्रियता दिखाते हुए 2 अलग अलग टीमें बनाई और चेन्नई भेज दी। चेन्नई जाने के बाद टीम ने बंधक बनाए गए युवकों को वहां से बरामद कर वापस बलरामपुर लेकर आ गए और सभी युवकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर दिया है। पूरी आपको बता दें यहाँ पर पुलिस की दूसरी टीम 2 युवकों के साथ चेन्नई में ही रुक गई है और जहां इन्हें बंधक बनाया गया था उस जगह की तलाशी में पुलिस की टीम लगी हुई है। 11 लोग इस जिले के थे, वो सभी लोग आ चुके हैं और एक लड़का जो है वो बिलासपुर का था, वो उनके परिजन को हैंडओवर कर दिया गया है। परमकिला में एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूल जा रहे बच्चे को टक्कर मार दी और जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्चा अपने पिता के साथ स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन स्कूल पहुंचने से थोड़ी ही दूरी पर डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता दें ग्रामीणों की मांग पर स्कूल जाने के वक्त रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। 4 साल के बच्चे का आज द्वारा स्कूली बच्चे घुसला जाना ये सरिया में सरिया के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसके बारे में कई बार पुलिस प्रशासन को सजेस्ट किया गया कि यहाँ बहुत भारी लोड गाड़ी का आना जाना हो रहा है, कम से कम पुलिस का यहाँ ड्यूटी लगाया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कभी भी इसको ध्यान नहीं दिया जिसके चलते आज इतनी बड़ी घटना। बहुत ही दुखद घटना है और चंद्रपुर पुलिया डैमेज होने के बाद इस रोड में काफ़ी ट्रैफिक का लोड यहाँ बढ़ गया है और हम लोग लगातार जब से ट्रैफिक यहाँ बढ़ा है तब से सरिया के दोनों तीनों चौक में कम से कम लोगों पुलिस बल लगवाने के लिए इसको पहले भी हम लोग यहाँ मांग कर चुके हैं और अभी एसडीएम कर रहे हैं हम लोग अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए उनसे मांग। एक डंपर वाहन है TG13U2644 उसने 10:30 बजे वार्ड नंबर 15 के पास तेजी से चलाते हुए एक साइकिल सवार जिसमें 6 वर्षीय बालक भी था का एक्सीडेंट किया है। बालक जिसका नाम विनय है उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके पिताजी घायल हैं जिसका इलाज अभी चल रहा है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने आक्रोशित होकर चक्काजाम किया था जिसे आवश्यक समझाई देकर चक्काजाम को हटाया गया। धर्मजगढ़ थाने के चाधा के धावी डांड गांव में एक नवविवाहिता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। महिला के शरीर में कीटनाशक का जहर पूरी तरह से फैल चुका है, लेकिन आपको बता दें हालत में विशेष सुधार अभी तक नहीं आया। महिला का इलाज जारी है और पुलिस की जांच से ही आगे का खुलासा हो पाएगा। अमरजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ द्वारा स्वीपर की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है और पीड़ित स्वीपर ने अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने बीएमओ के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया।
इस घर को पोछा झाड़ू करके मैं हॉस्पिटल में घुसा साथी लोग के पास, वो घूम रहा था। मेरे को बोला कि तुम क्या यहाँ आए हो, मैं कहा कि मैडम मैं वहाँ झाड़ू पोछा करके आया हूँ, इधर घूम रहा, काम करने जा रहा, घींच के मार दिया गला गाटा पकड़ के। अभी तक मैं काम करके आ रहा हूँ, फिर भी रजिस्टर में मेरा नाम एंट्री हुआ है और पूरा मैं हाफ हाफ हाजिरी लगाया गया है। फुल सपोर्ट करना चाहूँगा सर, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, आज कल मेरे साथ भी होगा, और इस तरह का बर्बरसाव अधिकारी के अधिकारी को स्वीपरों के साथ शोभा नहीं देता है। दंदेवाड़ा का वीआईपी रोड फरसपाल नक्सलियों के निशाने पर था। उनका टारगेट कर्मा परिवार था, जहां नक्सलियों ने सड़क पर 10 किलो वजनी बम लगा रखा था। सर्चिंग पार्टी के जवानों ने बम बरामद कर मौके पर डिफ्यूज कर दिया। दंतेवाड़ा एसपी ने कहा है कि वीआईपी रोड की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। चार वर्षीधारी लोग जो है पुरंतराई से पार हुए, क्योंकि पुरंतराई बहुत ही दंतेवाड़ा से नजदीक है, तो निश्चित रूप में लगा कि आईडी हो सकता है, तो सुबह से इसकी चेकिंग कराई गई, तो चेकिंग में पुजिया के पास में 10 से 15 किलो का आईडी मिला, करीब 50 मीटर लंबा तार था। हमारे पास पहले भी इंटरसेप्शन आया था कि फरसपाल रोड पे और चोलना रोड पे नक्सली आईडी लगा के विस्फोट करके नुकसान करना चाहते हैं। फरसपाल रोड को माना जाता है, आज इसी रोड पर नक्सलियों का लगाया हुआ एक 10 किलो का बम जवानों ने रिकवर किया और इस बम को डिफ्यूज भी कर दिया है। हम दिखाते हैं कि ये वही बम को डिफ्यूज करने के बाद ये उसी का सामान है, इसी के अंदर पर भरा हुआ है। देखिए किस तरीके से टुकड़े और जिलेटिन के टुकड़े पूरे यहाँ पर भरे हुए हैं, ये उसकी मट्टी है और आसपास में बारूद की अभी तक पूरी गंध यहाँ पर फैली हुई है। सीआरपीएफ 111 बटालियन और फरसपाल की टीम यहाँ पर निकली हुई थी, जिसकी सर्चिंग पर यहाँ पर ये बम मिला है। हमारे साथ में फरसपाल के थाना प्रभारी भी मौजूद थे, जिन्होंने वक्त रहते इस बम को देखा और इतला की आला अधिकारियों को और बम को यहाँ पर डिफ्यूज किया। थोड़ा सा बताएंगे कि सर कहाँ पर आपको ये बम दिखा और कैसे, मतलब कितनी बड़ी साजिश थी नक्सलियों की? आरोपी पार्टी जब निकलती है ना, तो प्रॉपर वे में सर्चिंग करते करते जो दिख जाता है आंखों से उसको सर्च करके, और जो जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं सीआरपी का उसकी सहायता से, और यहाँ पर तो खैर आंख से ही दिख गया, वायर थे इसके कारण से ये बरामद हो गया। फिर उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बता दी गई सूचना दी। कितने किलो वजन बनता सर? कितनी लगभग 10 किलो की वजन की क्षमता है इस बम की। कोई बड़ी गाड़ी को भी उड़ा सकता था बम? निसंदेह उड़ा सकता है बम बिल्कुल। ये काफी हैवी बम यहाँ पर रिकवर किया गया है और पुलिस की एक अच्छी और बड़ी कामयाबी है। ये फरसपाल की रोड है, वीआईपी रोड है, इसमें स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। दीप्ति कर्मा, बंटी कर्मा, दीपक कर्मा, सभी लोगों का आना जाना रहता है। इस लिहाज से ये जो सफलता है पुलिस की अहम और एक बड़ी सफलता है। पंकज सिंह भदौरिया, स्वराज एक्सप्रेस, फरसपाल। हैनंदगांव में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां शिक्षा विभाग ने 3 शिक्षकों का 2-2 स्कूलों में तबादला कर दिया। वहीं विधायक की सिफारिश पर एक मृत शिक्षक का तबादला भी कर दिया है। आपको बता दें, मामला उजागर होने के बाद संशोधन सूची भी जारी की गई है। ये मृत शिक्षक के संबंध में प्रस्ताव जो है माननीय डोंगरगांव विधायक की तरफ से आया था, और संबंधित की मृत्यु हो गई इसकी सूचना हमको, इस कार्यालय को जानकारी नहीं थी, और प्रस्ताव में वह संदिग्ध था, इस कारण से पता नहीं चल पाया। कोरबा शहर को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। बस स्टैंड सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को बाधित कर दिया गया था। लगातार मिल रही शिकायत के बाद बस स्टैंड से कंडम बसों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, नए ठेलों को भी हटाकर इन्हें जब्त किया गया। निगम की कार्यवाही का बस मालिकों ने समर्थन किया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बस स्टैंड में जो है नगर पालिका निगम आए हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। अगर ये कार्रवाई कर रहे हैं, बस स्टैंड को साफ सुथरा बना रहे हैं, स्वच्छ बना रहे हैं, इनका स्वागत है। लेकिन इनको क्या है ना, एक बराबर की नीति से देखा जाए, कभी भी बस स्टैंड को मतलब पूरा स्वच्छ करवाया जाए, चाहे मेरी बसें हों चाहे किसी की भी बसें हों, सबको हटा दिया जाए। वर्तमान में जो कल कार्रवाई की गई, उसमें 2 ठेला जो नए रखे गए थे, और कमिश्नर साहब के स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी ठेले अब जो हैं उनको कहीं भी व्यवस्थित करने के लिए कार्रवाई की जाए, साथ साथ
नए ठेले बिल्कुल लगने के लिए मना कर दिया जाए। उसी तरह में दो ठेले बिना अनुमति के अचानक रात को लगा दिए गए थे, जिसको हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई। रघुवर आनंद से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मंडल ने नगर की सभी समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, कई दिनों से नगर के कामों में लापरवाही हो रही है। जब से कैटापार तालाब की सुंदरता और स्टेशन के डमरीकरण का मामला सामने आया है, तब से भाजपा इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर गई है। भाजपा ने नगर पालिका अध्यक्ष से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अधिकारी ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। कोरबा के हसदेव नदी पर अवैध उत्खनन का खेल लगातार जारी है। यहां अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो ट्रैक्टर जब्त किए हैं। जिले में प्रमुख रूप से हसदेव नदी के अलावा अल्फा मान जैसी कुछ नदियां प्रभावित हैं। उन प्रभावित नदियों में खुलेआम अवैध उत्खनन लगातार जारी है। कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया है कि हसदेव नदी में रेत उत्खनन कर परिवहन करते दो ट्रैक्टरों को पकड़ा गया। मामले में चालकों से पूछताछ की जा रही है। इसी कारण नाइट ऑप्शन ने सूचना मिलने पर दुर्पा रोड से रेत की ट्रैक्टर निकल रही थी, दो ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। तो उनकी तरफ कार्रवाई की जा रही और इस संबंध में कार्रवाई हेतु माइनिंग विभाग को चिट्ठी दी गई। कुंडागांव के मरगांव पंचायत के आश्रित ग्राम पंचायत वन शीर्षी में आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व वन विभाग द्वारा एक पुल बनाया गया, जो वन शीर्षी और चिंचे डोंगरी की जोड़ने के लिए बनाया गया था। मगर 8 साल बाद भी पुल के दोनों ओर मिट्टी नहीं डाली गई है, जिससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकारी कर्मचारी भी आके जाते हैं। यहाँ से खड़क घाट कोकोनट प्लांट है, मेरा गांव से लगा हुआ है, 1 किलोमीटर का जो फासला है ना, वो करीबन 10 साल हो गया है। लिख के दिए, सब करके दिए ना, यहाँ एक बार ना बस WBM कार्य हुआ है, उसके बाद जैसा गड्ढा है वैसी पड़ा हुआ। हम लोग चाहते हैं ये डामरीकरण हो भाई, क्योंकि लोगों को इधर आने जाने में तकलीफ है, बच्चे लोग भी स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, पूरा कीचड़ हो जाता है, गाड़ी घोड़ा भी चल। खबर रायपुर से है, जहां 3 मासूम बच्चे अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। इसकी सूचना मिलते ही तीनों बच्चों को संरक्षण में लिया गया। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया है कि पिता की 3 हड्डियां टूटी हुई हैं और मां खाना बनाते वक्त 40% जल गई है। इलाज के लिए पैसा नहीं होने के चलते बच्चे सड़क पर रहने को मजबूर हैं। हमारी पूरी टीम, जिसमें महिला बाल विकास, सखी, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड लाइन की टीम थी, उसके द्वारा जाया गया वहाँ पे। तो वहाँ पे खुले अवस्था में 3 बच्चे, एक बच्चा 4 माह का, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 6 साल का, ऐसा मिला। और वो एक उन दोनों की भी स्थिति एकदम तकलीफ देह थी। माता जी पूरी कम से कम 40% जली हुई है और पिता का भी अलग अलग हिस्सों में 3 हड्डी टूटा हुआ है। तो हमने उन लोगों के पास जाके बातचीत की, उनको समझाइश दी, बोले कि आप लोग स्वस्थ हो जाओ, अपने घर बना लें या किराए पे ले लें, तब तक बच्चे स्थायी संरक्षण के लिए आप हमें दें, सुरक्षित रहेगा बच्चा और जो शिक्षा अध्ययन करना है उसको। मैनपुर विकासखंड का मोहभाटा गाँव ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले 18 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है। अभी तक नया ट्रांसफर नहीं लगाए जाने के कारण स्थिति ये निर्मित हुई है कि बिजली न होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों में जूझना पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक एक बार खराब होने पर ट्रांसफार्मर को बदला गया था, लेकिन वो फिर से खराब हो गया। अब नया ट्रांसफार्मर स्टॉक में न होने के चलते नहीं बदला जा सका है। रायपुर से नया ट्रांसफार्मर आने पर उसे तुरंत बदलने की बात भी अधिकारी कह रहे हैं। एक महीना हो गए ट्रांसफार्मर और मुड़े है, लाइट के परेशानी है। हम लोग अंधेरा में राशि खाना बनाए बहुत दिक्कत जाते, छोटे छोटे बाल बच्चे है, हम लोग बहुत परेशानी होती। ट्रांसफार्मर उड़ जाने के कारण बिजली बहुत दिन से महीना दिन हो गए बंद हुआ है, अभी तक के लगाए नहीं। बिजली ऑफिस में जाकर आवेदन भी पेश किया, फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाए। कुंडागांव जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली भीरागांव मिट्टी की सड़क, जो 10 वर्ष पहले बनाई गई थी, 1 किलोमीटर तक बहुत ही खराब हो चुकी है। जहां से होकर गुजरने वाले लोगों को गड्ढों और कीचड़ों से बहुत ही परेशानी होती है। लोगों ने कई बार अधिकारी और पंचायत में इसकी जानकारी दी है, मगर कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा। कर्मचारी भी आके जाते हैं, यहाँ से खड़क घाट कोकोनट प्लांट है, मेरा गांव से लगा हुआ है, 1 किलोमीटर का जो फासला है ना, वो करीबन 10 साल हो गया। कलेक्टर जनदर्शन के फर्जाबहार विकासखंड के ग्राम तुरिया लगा के रहने वाले दिव्यांग गणेश को बैटरी चलित मोटरसाइकिल प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
समाज कल्याण विभाग ने ट्राईसाइकिल मिलने के बाद अनिश को स्कूल जाने में अब आसानी होगी और पढ़ाई में भी मन लगेगा। अपनी दादी के साथ जनदर्शन में पहुंचा 14 साल का अनिश एक बीमारी से पीड़ित है और कक्षा 8 में पढ़ता है। दिव्यांगता की वजह से उसे रोजाना 8 किलोमीटर दूर स्कूल आने जाने में कठिनाई होती है, लेकिन शासन का सहयोग मिलने पर वो दिव्यांगता को मात देकर आगे बढ़ सकेगा। अनुराधापुर क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन बनाने लायक मिट्टी की कमी से कुम्हारों के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। जिन स्थानों को शासन ने मिट्टी के लिए चिन्हित किया वहां पर ग्राम पंचायत की अनुमति नहीं मिलने से अभी तक वहां की मिट्टी उपयोग के लिए नहीं लाई जाती है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जहां से कुम्हार मिट्टी लेकर आते हैं वो गुणवत्ता विहीन है, जिससे उन्हें काफी मेहनत से उपयोग के लायक बनाना पड़ता है। मिट्टी को छानने धोने से समय और लागत दोनों बढ़ जाती है। शासन और ग्राम पंचायत के आदेश में सामंजस्य की कमी है। कुम्हारों की गुहार पर SDM ने उनकी समस्या जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन भी दे दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के गतौरा एवं जयराम नगर स्टेशनों के मध्य ऑटो सिंगलिंग के नाम से नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 24 जुलाई को सुबह 8 बजे से 25 जुलाई रात 2 बजे तक चलने वाले कार्यों की वजह से कई गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। मंडल ने लगभग 1 दर्जन गाड़ियां रद्द करने का निर्णय लिया है। बेमित्रा जिले में लगातार 4 साल से पर्याप्त बारिश नहीं होने के चलते भूमिगत जल स्रोत में निरंतर गिरावट आ रही है। यहां का जल स्तर 200 फीट नीचे चला गया है, जिसके चलते जिले में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न होने लगा है, जिससे सबसे ज्यादा खराब स्थिति गांव में है, जहां लोगों को पेयजल की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। अरे पानी 2 मिनट 1 मिनट कहीं चला थे बोर है तो कहाँ हमारे गुजर चल गारा मोड़ जाता है रेसी बोरता रह जाता है बने बोला पानी तकलीफ में हमारे यहाँ कुल वर्तमान में 4,947 हैंडपंप हैं। इनमें वर्तमान में 1,237 हैंडपंप बंद हैं। इनमें से 1,182 हैंडपंप भूजल स्तर गिरने के कारण से बंद हैं। और अब खबर सोनहत से है, जहां पर विश्व कौशल दिवस के अवसर पर जनपद सभा कक्ष में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को जनपद CEO संजय राय ने मार्गदर्शक करते हुए रोजगार से जुड़ने के गुण बताए। वहीं पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को जनपद उपाध्यक्ष नवरत्न पांडे के हाथों प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही राजमिस्त्री के प्रशिक्षकों को टूल किट वितरित किए गए। इस अवसर पर भारी संख्या में युवाओं की भीड़ बनी रही और कार रेसिंग समेत कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। गरियाबंद के खोनहार गरीब आदिवासी परिवार की बेटी का सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। दानदाताओं ने बेटी की दिल खोलकर मदद की है। गरीब परिवार की इस बेटी का वकालत की पढ़ाई करने का और गरीबों की आवाज बनने का सपना अब साफ होता जा रहा है। छुरा विकासखंड के कोसमबुड़ा गांव की भावना ध्रुव पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली बड़ी होकर जज बनना चाहती है, ताकि दबे कुचले और गरीब लोगों की आवाज बन सके। सरकार की प्रयास योजना का लाभ लिया तो बेटी की बिलासपुर में 12वीं तक की पढ़ाई आसान हो गई और अब लॉ कॉलेज में एडमिशन की बारी आई है और 1,88,000 फीस यहां पर जुटी है, जिससे अब लॉ कॉलेज में आदिवासी बेटे की सपनों को उड़ान मिलेगी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।